आज के आधुनिक दौर में खेती का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। पहले किसान अपनी जरूरत के हिसाब से फसलें बोते थे, खान पान के लिए तमाम चीजें अपने खेतों में उगाते थे, जैसे दालें, चावल, गेहूं, सरसों और कपास आदि। लेकिन अब किसान मुनाफा कमाने के हिसाब से खेती करते हैं, लिहाजा खेती भी व्यवसाय का रूप लेती जा रही है। कहते हैं किसी भी व्यवसाय में जोखिम उठाना पड़ता है और जोखिम उठाने वाले ही तरक्की की मिसाल बनते हैं। अगर खेती को व्यवसाय से जोड़कर देखा जाए तो पिछले कुछ दशक में जोखिम उठाने वाले किसानों ने अच्छी तरक्की की है। देश भर में ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने लीक से हटकर खेती की और वो मिसाल बने। ऐसे ही एक किसान हैं महाराष्ट्र के अकोला जिले के मूर्तिजापुर ब्लॉक के माटोडा गांव के रहने वाले राजेश विठल राव चोपड़े। इस किसान ने हल्दी की खेती से अपनी गरीबी को मात देकर नई तकदीर लिखी है। राजेश चोपड़े ने गरीबी को काफी नजदीक से देखा है। रुपयों की तंगी के चलते इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ गंवाया। 12वीं के बाद ये पढ़ाई तक नहीं कर पाए। पैसे की कमी के कारण बड़े अस्पताल में इनकी 4 साल की बच्ची की मौत तक हो गई और न जाने राजेश ने क्या कुछ खोया। घर में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कि अच्छा था। खाने के लिए ऐसे गऊ नहीं ज्यादा होती थी, ज्वार नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। अब राजेश के जहन में एक ही धुन सवार थी कि उन्हें गरीबी से लड़ना है और पैसा कमाना है। लेकिन कम जमीन और सीमित संसाधनों की वजह से इनका ये सफर काफी मुश्किलों भरा था। ये इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि इन्हें कहीं अच्छी नौकरी मिल पाती। इनके पास तो पुरखों से मिली महज 12 एकड़ जमीन थी और यही इनकी एकमात्र पूंजी थी। राजेश को इसी जमीन से रुपया कमाना था। राजेश दिन रात इसी सोच में डूबे रहते कि आखिर वो करें तो क्या करें, कैसे इस पहाड़ सी मुसीबत को मात दें। इसी दौरान राजेश की जिंदगी में एक दिलचस्प घटना हुई और यहीं से इन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा मिली। एक रोज जब राजेश खाना खाने बैठे तो दाल में हल्दी नहीं थी। इनकी पत्नी ने बताया कि घर में हल्दी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने बिना हल्दी के ही दाल बना दी। बस यहीं से राजेश के दिमाग में हल्दी की खेती का विचार पनप गया। राजेश ने सोचा कि अगर हल्दी इतनी महंगी है तो क्यों ना इसकी खेती की जाए। राजेश के पास जो जमीन थी उसमें ये सोयाबीन और कपास जैसी फसलें उगाते थे, लेकिन पैदावार बेहद कम होने की वजह से इनका गुजारा भी ठीक से नहीं चल पाता था। शुरू में हमारे यहाँ पहले कपास, ज्वारी और मक्का इसकी खेती होती थी। हालांकि उसमें पूरा घर का गुजारा होता नहीं था, वो परोड़ता भी नहीं था। 1 एकड़ में 10,000-20,000 की फसल आती थी। राजेश चोपड़े हल्दी की खेती का मन बना चुके थे, लेकिन इसके लिए बीज कहाँ से लाया जाए, कैसी खेती की जाए, इस बारे में राजेश को कोई अंदाजा नहीं था। इसी दौरान किसी जानकार ने राजेश को बताया कि वो अकोला स्थित डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ में विशेषज्ञों से मुलाकात करें। यहाँ से उन्हें अच्छी तकनीक और खेती से जुड़ी जानकारियाँ आसानी से मिल सकती हैं। और राजेश ने ऐसा ही किया। कृषि विद्यापीठ के विशेषज्ञों की सलाह पर इन्होंने हिंगोले से हल्दी की अच्छी वैरायटी का बीज खरीदा और इसे अपनी 3 एकड़ जमीन में बो दिया। दूसरी फसलों की अपेक्षा उस साल राजेश को हल्दी से करीब 2 गुना मुनाफा हुआ। साल 2004 में राजेश ने पहली बार हल्दी की खेती से 80,000 रुपए कमाए। इससे इनका हौसला और बढ़ गया। राजेश कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके थे। राजेश चोपड़े का जो फार्मूला देख के हमारे गांव में अभी 40-50 एकड़ हल्दी की खेती हो गई और उसमें
मुनाफा मिलकर हमारे गांव में अब मकान बनने लगे, सबके पास गाया लगाया। अब वो हल्दी के भरोसे पर सबने अपने अपने पक्के मकान बनवाए और सबके बाद उसने जो मेहनत की उसको देख देख के सब गांव वाले अब हल्दी की खेती के पीछे लग गए। हल्दी की खेती से मुनाफा मिलने के बाद राजेश ने धीरे धीरे अपनी खेती को नई दिशा देना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी फसलों में फेरबदल की। ये आधी जमीन में हल्दी और बाकी की आधी जमीन में जरूरत की फसलें बोने लगे। हल्दी की खेती से कई साल तक राजेश ने अच्छी पैदावार और आमदनी ली, लेकिन ये इनकी आखिरी मंजिल नहीं थी। इस मेहनती और लगनशील किसान को अभी तो बहुत कुछ करना था। अभी तो राजेश का नाम सिर्फ गांव गली तक मशहूर हुआ था, बल्कि इन्हें तो पूरे महाराष्ट्र के किसानों के लिए मिसाल बनना था। राजेश चोपड़े के वजह से वो बड़े बड़े अधिकारी आए, दिल्ली से, फॉरेन से भी आदमी यहाँ आए हुए हैं। इनके वजह से गांव को भी उन्नति हुई, गांव का नाम रोशन हुआ। बहुत से मतलब आज मुख्यमंत्री तक की आदमी पहुँचा हुआ है। मतलब अपने गांव जो है, ये खेड़ा गांव है, ये जो पीछे पड़ा हुआ था, ये इनके वजह से बहुत आगे गया हुआ है। शुरुआत में राजेश अपनी फसल को खेत में ही बेच दिया करते थे। इससे इन्हें फसल के अच्छे दाम तो मिल जाते, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि खेत से निकलने के बाद भी हल्दी से और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। माटोडा गांव के रहने वाले राजेश विठल राव चोपड़े ने सही तकनीक से हल्दी की खेती में हाथ आजमाए और इन्हें कामयाबी भी मिली। राजेश शुरू से ही एक मेहनती किसान रहे हैं और अब तो ये और भी ज्यादा मेहनत के साथ खेती करते हैं। सबसे पहले ये अपने खेत को जोतकर उसे खेती के अनुकूल बनाते हैं, फिर बैलों की मदद से खेत में हल से क्यारियां बनाई जाती हैं। इन क्यारियों में हल्दी का बीज बो दिया जाता है। हल्दी का बीज अदरक की गांठ जैसे आकार का होता है। इस गांठ में ही नन्हा पौधा अंकुरित हो रहा होता है। बीज को इस तरह खेत में रखा जाता है ताकि पौधों का सिरा जमीन के ऊपर की तरफ हो। इसके बाद बीज को मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये सारा काम किसी मशीन से नहीं बल्कि हाथों से किया जाता है। यही वजह है कि इसमें मेहनत भी खूब लगती है। फसल तैयार होने के बाद इसकी नलाई, जुताई और खचाई भी की जाती है ताकि फसल को खरपतवार से बचाया जा सके। हल्दी का बल्ब पानी से खराब ना हो, लिहाजा इसकी सिंचाई स्प्रिंकलर से की जाती है। स्प्रिंकलर से हल्की सिंचाई होने से पानी पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है और जमीन के भीतर हल्दी के बल्ब को भी कोई हानि नहीं पहुंचती। हल्दी की फसल के दौरान किसान को काफी सब्र करना पड़ता है, क्योंकि हल्दी की एक फसल 9 महीने की होती है। इस दौरान लगातार इसकी जुताई खुदाई चलती रहती है। फसल बड़ी हो जाने पर खेत में पैदा होने वाली खरपतवार को हाथ से उखाड़ दिया जाता है, क्योंकि फावड़े से खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे हल्दी का बल्ब खराब हो सकता है। बरसात का पानी हल्दी को कोई हानि ना पहुंचाए, इसके लिए क्यारियों के बीच में 1 से 1.5 फीट की जगह छोड़ दी जाती है। इससे व्यर्थ पानी बहकर बाहर निकल जाता है।
सर्दियां खत्म होने के बाद हल्दी के पौधों के पत्ते खुद ब खुद पीले पड़ने लगते हैं और ये फसल का आखिरी पड़ाव होता है। इस बीच फसल में पानी नहीं देना होता। पत्ते सूखने के बाद पौधों को उखाड़कर उसके नीचे से हल्दी की गांठें निकाल ली जाती हैं। एक हल्दी के पौधे के नीचे से करीब 1 से 1.5 किलो तक हल्दी निकल जाती है। इसमें देखा जाए तो एक एकड़ में सेलम का जो है वो 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ अपने को जैसा उसका उत्पादन मिलता है। अगर यही हमने बूंद बूंद सिंचाई पर अगर इसकी पैदावार करते हैं तो इससे 25 क्विंटल तक का जो यील्ड है या उत्पादन है वो हमें मिल सकता है। इस तरह से इन्होंने जो जाति का चुनाव किया है वो काफ़ी अच्छा है। यूं तो हल्दी की बहुत सारी मशहूर प्रजातियां हैं, जैसे सेलम, सेलम कांडी, फूली स्वरूपा और कडप्पा। इन सब किस्मों में कुछ न कुछ खासियत जरूर होती है, लेकिन राजेश चोपड़े आम तौर पर सेलम प्रजाति की हल्दी बोते हैं। सेलम की खासियत ये है कि हल्दी की बाकी किस्मों की अपेक्षा ये पैदावार में सबसे बेहतर होती है। एक एकड़ जमीन में ये औसतन 20 से 22 क्विंटल तक हो जाती है, जबकि अन्य किस्में 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ तक सिमट जाती हैं। अगर सेलम हल्दी की फसल की ड्रिपलिंग सिस्टम यानी बूंद बूंद सिंचाई की जाए तो ये 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार दे सकती हैं। सेलम हल्दी खाने में सबसे ज्यादा पौष्टिक होती है। इसका रंग भी गहरा पीला होने की वजह से बाजार में इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। राजेश जी लगाते हैं वो है सेलम। सेलम जाति की विशेषता यह है कि इसमें जो कुकुरमिन जिससे कि पीला रंग आता है और इस सेलम जाति में कुकुरमिन का प्रमाण सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अच्छा पीला कलर जो ग्राहकों को भी पसंद आता है और जिसे अच्छी जब हम उसकी पाउडर बनाते हैं उस पाउडर को अच्छी कीमत भी अच्छी मिलती है। हल्दी को जमीन से निकालने के बाद इसके आकार के हिसाब से अलग अलग वैरायटी बनाई जाती है। पौधे के नीचे से जो गोल बल्ब जैसे आकार की गांठ निकलती है उसे गट्टू कहते हैं और लंबी उंगली के आकार की गांठ को सेंग कहा जाता है। दोनों तरह की वैरायटी के अलग अलग दाम होते हैं। गट्टू हल्दी थोड़ी महंगी बिकती है जबकि सेंग के दाम थोड़े कम होते हैं। राजेश हल्दी की खेती से प्रति एकड़ 60,000 रुपए तक कमाते हैं, जबकि प्रति एकड़ फसल की लागत 25,000 तक हो जाती है, यानी 45,000 रुपए प्रति एकड़ का शुद्ध मुनाफा ये कमा लेते हैं। जबकि अन्य फसलों में लागत को हटा दिया जाए तो 10 से 12,000 रुपए प्रति एकड़ का मुनाफा इन्हें मिल पाता है, जिससे घर के खर्च की पूर्ति भी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। राजेश ने हल्दी की अच्छी पैदावार से इतना मुनाफा कमाया कि पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने 6 एकड़ जमीन भी खरीदी, गांव में अच्छा मकान बना लिया और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं। और इस वजह से आज मेरे को मेरा चुना घर के बदले में नया घर भी बन गया। और वो 12 एकड़ के खेत में पहले मेरे पास 50 से 60 हज़ार रुपये आते थे, आज उसमें 10 से 12 लाख रुपए आ रहे। शुरुआत में राजेश अपनी फसल को खेत में ही बेच दिया करते थे, इससे इन्हें फसल के अच्छे दाम तो मिल जाते लेकिन इन्हें नहीं पता था कि खेत से निकलने के बाद भी हल्दी से और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अकोला कृषि विद्यापीठ के अधिकारियों ने इन्हें जानकारी दी कि कच्ची हल्दी को पकाकर इसके और ज्यादा दाम वसूले जाएं तो मुनाफा और बढ़ सकता है। राजेश के दिमाग में ये बात घर कर गई कि जब इनकी उगाई हल्दी से और लोग अच्छी आमदनी ले रहे हैं तो फिर ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते।
अधिकारियों से दिशा निर्देश मिलते रहे और राजेश कामयाबी के सफर पर आगे बढ़ते चले गए। हल्दी से हुए मुनाफे से इन्होंने हल्दी को पकाने के लिए एक बॉयलर खरीदा। बॉयलर में नीचे की तरफ आग जलाकर पानी उबाला जाता है। पानी से जो भाप बनती है उस भाप को पाइप की मदद से दो ड्रमों में पहुंचा दिया जाता है। इससे ड्रमों में जो हल्दी होती है वो अच्छी तरह से भाप में पक जाती है। अच्छी तरह से पकने के बाद हल्दी को कपड़े पर सुखा दिया जाता है। तेज धूप में 3 से 4 दिन सूखने के बाद जब हल्दी पूरी तरह कड़क हो जाती है तब इसे पॉलिश करते हैं। राजेश चोपड़े ने इसके लिए पॉलिश मशीन भी खरीदी है। बिजली से चलने वाली इस पॉलिश मशीन में सूखी हल्दी डाल दी जाती है। मशीन में 10 मिनट घुमाने के बाद हल्दी की गांठ पर चढ़ी काली परत साफ हो जाती है और अंदर से एकदम पीली हल्दी निकलती है। इस मशीन की कीमत करीब 1,00,000 रुपए है। हालांकि राजेश को सरकार की तरफ से इस मशीन पर 25% अनुदान भी मिला, यानी 25,000 रुपए की मदद मिलने से राजेश को सिर्फ 75,000 रुपए अपनी तरफ से लगाने पड़े। इस मशीन से राजेश को इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने हल्दी पॉलिश कराने के लिए दूसरों की सहायता लेना छोड़ दिया। जब मन करता एक बटन दबाते हैं और हल्दी पॉलिश कर लेते हैं। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। पॉलिश हो जाने के बाद सबसे अहम काम होता है हल्दी पीसने का। ये काम भी राजेश खुद ही कर लेते हैं। इन्होंने हल्दी पीसने के लिए 80,000 रुपए की इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडिंग मशीन भी लगा रखी है। इस मशीन में साबुत हल्दी डाल दी जाती है और मशीन के आउटलेट पाइप के नीचे एक बड़ा सा बोरा बांध दिया जाता है। हल्दी पिसने के बाद खुद ब खुद इस बोरे में चली जाती है। जैसे ही बोरा भर जाए कुछ देर के लिए मशीन बंद करके दूसरा खाली बोरा लगा दिया जाता है। बोरे से निकली पिसी हुई हल्दी को ठंडा होने के लिए कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद राजेश का पूरा परिवार एक साथ बैठकर हल्दी की पैकिंग का काम करते हैं। एक शख्स थैलियों में हल्दी भरता है तो दूसरा उसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर तोलता है और फिर तीसरा शख्स उसे पैकिंग मशीन की मदद से पैक करता है। एक घंटे में ये पूरा परिवार करीब 200 पैकेट पैक कर देता है, जिसके बाद राजेश पैकेटों को दुकान पर सप्लाई करते हैं। हल्दी की उम्दा क्वालिटी के कारण कई ग्राहक तो खुद इनके पास हल्दी खरीदने आते हैं। राजेश के साथ साथ इनका पूरा परिवार हल्दी की पैदावार से लेकर पैकिंग तक इनके साथ लगा रहता है। पिसी हल्दी बेचकर राजेश को रोजाना अच्छी आमदनी होती है। पिसी हुई हल्दी बाजार में 160 रुपए किलो से लेकर 200 रुपए प्रति किलो की दर से बिक जाती है। मैंने खुद के यूनिट बिठाया है। पहले बाहर से लाता था, अभी बॉयलर है मेरे पास, पॉलिश यंत्र है, ग्राइंडर है, पैकिंग यंत्र है, सब खुद का बनाया है और खुद का ही बना के खुद बेचता हूँ। इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने तो बनाए बनाए, मेरे गांव के हर एक किसान में मैं अभी 50-60 क्विंटल की पाउडर बेच रहा हूँ, लेकिन मेरे गांव में अभी दो हर एक किसान 2-2, 4-4 क्विंटल पाउडर बना के बेच रहा है। राजेश के खेतों में हल्दी की इतनी पैदावार होती है कि इनके सामने
फसल के रखरखाव की भारी समस्या थी। इन्हें पता लगा कि प्रगतिशील किसानों को सरकार गोदाम बनाने के लिए 40% अनुदान दे रही है। राजेश ने भी अपनी फसल को स्टोर करने के लिए 4 लाख रुपए की कीमत से एक गोदाम का निर्माण कराया। इसके लिए 1.5 लाख रुपए की मदद इन्हें सरकार की तरफ से मिल गई और बाकी रकम के लिए इन्होंने बेहद कम ब्याज पर बैंक से लोन ले लिया। फसल बिकते ही इन्होंने लोन की रकम चुका दी। राजेश ने साल 2005 में पहली बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हल्दी की फसल के लिए क्रॉप लोन लिया था और एक साल में ही अच्छी पैदावार से इन्होंने वक्त पर लोन चुका दिया। तब से लेकर आज तक राजेश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार बैंक से लोन ले चुके हैं और हर बार एक समझदार ग्राहक की तरह इन्होंने वक्त पर लोन भी चुकाया है। बैंक के अधिकारी भी इनके इस व्यवहार से काफी प्रभावित हैं। वो भी दूसरे किसानों को राजेश की मिसाल देते हैं। पहले तो बहुत छोटे किसान थे और पुअर थे। हमने पहली बार जब ये हमारा तरफ आए कर्ज मांगने के लिए तो छोटा सा कर्ज हमने पहले दे दिया। बाद में उन्होंने अच्छे से रिपेमेंट किया और छोटा करते करते आज बहुत बड़े किसान बन गए हैं और अच्छी तरह से वो कर रहे हैं। हल्दी की फसल में बूंद बूंद सिंचाई का बड़ा महत्व है। इससे फसल की अच्छी पैदावार होती है। जब पहली बार राजेश ने हल्दी की फसल की शुरुआत की तब इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये ड्रिपलिंग पाइप खरीद सकें। उस वक्त भी राजेश को सरकार से ड्रिपलिंग पाइप्स की खरीद पर 30% अनुदान मिला था। 60,000 रुपए की पाइपों की खरीद पर राजेश को 20,000 रुपए सरकार की तरफ से मिले थे। बहुत कम समय में राजेश ने अपनी मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब तो कृषि विशेषज्ञ भी इनकी फसल देखने आते हैं और इन्हें काफी सराहते भी हैं। राजेश विठल राव चोपड़े को इनकी मेहनत और बंपर पैदावार के लिए कई बड़े मंचों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। चाहे वो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हो या फिर केंद्रीय खाद्य मंत्री हरसिमरत कौर बादल, इन लोगों ने भी राजेश के जज्बे को देखा और इनकी सराहना की है। राजेश को हल्दी की खेती में अच्छी पैदावार के लिए कई बार जिला और राज्य स्तर पर बड़े पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आलम यह है कि महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली कृषि प्रदर्शनियों में अपने सामान की स्टॉल लगाने के लिए राजेश को पैसे नहीं देने पड़ते। जहां दूसरे किसान 1-1 लाख रुपए देकर प्रदर्शनी में स्टॉल खरीदते हैं तो राजेश बिना कोई पैसा दिए मुफ्त में ही स्टॉल लगाते हैं और 1.5 से 2 लाख तक का सामान बेचकर लौटते हैं। राजेश ने अपनी लगन और मेहनत से फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। आज ये इलाके के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। अब इनके गांव में तकरीबन सभी किसान हल्दी की खेती में हाथ आजमा रहे हैं। अगर वो भी राजेश की तरह निष्ठा से खेती करें तो जाहिर तौर पर उन्हें भी मंजिल मिल जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उपज के भाव ताव, आवक का हालचाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।